तो हमारे बेनिफिट होने वाले हैं। जो एंगेजमेंट, जो आपने क्लिक वाली बात करी है, ये सर इसी को एंगेजमेंट बोनस कहा जा रहा है कि आप उसमें कितनी देर रह रहे हैं वहां पे, आपके लिंक कितने, आप अगर लिंक पे शेयर किसी को दे रहे हैं तो शेयर कर रहे हैं वो उस पर क्लिक कर रहे हैं वहां पे, तो इसमें इस टाइप की बहुत, आपने लिंक शेयर किया है ना किसी को, शेयर करने के बाद तो उसने 2200 क्लिक किए ना, तो आपने जो शेयर किया तो शेयरिंग का उसका वो जाएगा, उसके बाद से वो लीड जनरेट होती है नहीं होती है, वो लाता है या प्रोडक्ट परचेज करता है वो बात की बात है, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे ऐसे हमारे बोनसेस हैं जिसके बारे में ऑलरेडी सर बोल चुके हैं कि आपको बेनिफिट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट परचेज में बात ऐसा ने कहा है कि हम फाउंडर के हमेशा फेवर में सोचते हैं, और किस तरीके से रहने वाला है, किस तरीके से प्रोडक्ट परचेज करने वाला है, वो ऑलरेडी अगर थोड़ा कॉस्टली होगा प्रोडक्ट, $50 $60 $100, तो ऑलरेडी 10 बोनस हमारे पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ आप, बस ये है कि आप ऑन पैसिव के प्रति आप कितना समर्पित हैं, कितना उसमें समर्पित मतलब एंगेजमेंट उसे कहा जाता है कि आप कितना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑन पैसिव की आज तक उन्होंने एक बार अगर इको सिस्टम में आ गए हैं उसके बाद ऑन पैसिव देखा भी नहीं, उन्होंने खोला भी नहीं है, तो फिर वो एक ऑन पैसिव के लिए इतने डेडिकेशन नहीं हुए ना, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे फाउंडर हैं हमारे, तो उनके लिए, उन्हीं के लिए ही कहा गया, आप जैसे कि उन्होंने खोला नहीं है, आप अगर लोगों को शेयर कर रहे हैं 200 लोगों को, 200 लोग क्लिक कर रहे हैं उस पर और आप डेली इस पर लॉग इन कर रहे हैं, डेली ये कर रहे हैं, तो आप ऑन पैसिव के लिए एक ज्यादा एक समर्पित एक फाउंडर हुए ना, तो ऑब्वियसली इसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, तो वो रिवॉर्ड आपको इसी बोनस के रिगार्डिंग आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करने में कर सकते हैं उसका, जो कि एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी आया था मेरे पास कि अगर हम रीसेलर जो होगा, तो रीसेलर भी अगर इस तरीके से उसको भी इस बोनस बोनस वगैरह उसको भी मिलेंगे या कुछ मिलेंगे, तो आप सबसे पहले ये चीज समझिए कि जो हम फाउंडर हैं, फाउंडर को जो फैसिलिटी मिल रही है, जो बोनस वगैरह ये सब वगैरह, ये और लोगों को अगर रीसेलर कोई बन रहा है तो डेफिनेटली उसको एक लिंक भी मिलेगा, लिंक के थ्रू उसको ट्रैफिक भी मिलेगा, ये सब चीजें मिलेंगी उसको, लेकिन जो जो फाउंडर को मिली है वो दूसरे लोगों को नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम एक बार फाउंडर है, हमें से ऑलरेडी कहा गया है हम टॉप पे रहेंगे, और अगर हमें एक, मुझे लगता है कि हमें $10 अगर मिल रहे हैं तो उनको अगर 1 मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो बात की बात है, उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हाँ फाउंडर के बराबर उसमें कोई नहीं वहां पे हो सकता है। वीरेंद्र सर का क्वेश्चन है कि एक ही मोबाइल में अपना और अपनी फैमिली मेंबर का इकोसिस्टम में केवाईसी कर सकते हैं, थोड़ा क्लियर कीजिए मैम। तो यस सर, अगर आपके एक ही डिवाइस में खुले भी हैं और आईडीज, तो आप कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही उसमें केवाईसी कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी प्रियांशु सर थैंक यू सो मच। सुजीत सर का है, विल द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड ट्रैफिक बी डिफरेंट? यस सर, डिफरेंट रहेंगे, और प्रोडक्ट अभी इन सब चीजों के, हालांकि चाहे पैकेज प्रोडक्ट हो या ट्रैफिक का पैकेज क्या रहेगा, ये अभी हमें क्लियर नहीं किया गया है। मैम इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहने, बहुत ज्यादा डिफरेंस रहने वाला है, जो आपका प्रोडक्ट परचेज है वो आपका अफोर्डेबल रहने वाला है, सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप वो उसी के रिगार्डिंग ही बनाया जाएगा कि सारे फाउंडर उसको हम अफोर्ड कर सके उसको, और ट्रैफिक पैकेज रहेगा वो हाईली रहेगा, वो ऑब्वियसली हाईली रहेगा, तो उसको हम इजिली स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, उसको अलग से एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी का चलना पड़ेगा, जो जो हमारे बोनस पॉइंट आएंगे, जो इनकम आएगी उसको थोड़ा सेव करके उसमें उसी से हम परचेज करेंगे उसको, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा उसमें। यस मैम। फिरदौस सर का क्वेश्चन है, मैम की केवाईसी करते समय अकाउंट नंबर भी लगेगा क्या, क्योंकि एक फाउंडर का अकाउंट नहीं खुला है, वो विदेश में है वो अभी। तो सर बिल्कुल, जब केवाईसी करेंगे तो अकाउंट नंबर तो सर चाहिए, क्योंकि बैंक बैंक को तो हमें लिंक करना पड़ेगा। जब आप मान लीजिए प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, ऑनलाइन जब परचेस करेंगे तो आपका पैसा कहीं से तो जाएगा ना, बैंक अकाउंट से ही जाएगा कंपनी के पास, तभी आप परचेस करेंगे। और जब आपका वॉलेट ग्रीन होगा तो आप जब वहां से पैसे को विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ करके किसी बैंक में ही लेंगे, आपके हाथ में कैसे आएगा, तो बैंक तो कनेक्टेड रहेगा। तो जो विदेश में रहते हैं तो उनको बोलिए कि आप वहां पर अपना अकाउंट को ओपन करें, अकाउंट तो सर बहुत जरूरी है बैंक अकाउंट का। तो अगर उनके फैमिली में उनकी वाइफ है या कोई है, अगर वो बाहर है और इंडिया में है, तो उनका अकाउंट भी आप वहां पे लिंक करा सकते हैं, लेकिन जिनकी आईडी नाम होगा उन्हीं के नाम का केवाईसी होगा, तो बैंक अकाउंट भी उन्हीं का माना जाएगा। तो ये सारी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेन आईडी जो है वो अपना अकाउंट उसी आईडी, जो आईडी नंबर नेम है उसी का नाम होना चाहिए, बाकी मल्टीपल आईडीज में हम लोग कर सकते हैं कि
ही वहां से कनेक्ट कर लेंगे और हमारे उस अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, उनके वॉलेट में जो पैसा आएगा, तो उनके पास तो अभी अकाउंट है नहीं क्योंकि वो लोग अभी 18 नहीं हुए हैं, तो उनका केयर टेकर, उनके मदर फादर जो है, लिंक हो जाएगा, तो हम वहां पे पैसा ले सकते हैं। तो सर अकाउंट की तो जरूरत पड़ेगी, बैंक उनको खुलवाना पड़ेगा। सर मैं अभी ब्लेसर, अपने जो ब्लेसर है उनके कार्ड से ही पैकेज बाय कर सकती हूँ क्या? तो मैम मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल अभी आप सेविंग अकाउंट ही रखिए। हम लोग भी सेविंग अकाउंट से ही अपने केवाईसी को करेंगे, केवाईसी वेरीफाई करेंगे। करंट अकाउंट हमें आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। जब करंट अकाउंट क्या होता है, जब हमें बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट जब बैंक में आने लगता है तो उसके प्रोसेस भी थोड़े से अलग होते हैं, गवर्नमेंट को का अलग रूल होता है उसमें थोड़ा सा। तो अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हम सेविंग अकाउंट को ही रखेंगे। मेरा भी SBI में है और सेविंग अकाउंट तो मैं उसी को वेरीफाई कराऊंगी, तो आप भी उसी को वेरीफाई कराइए। तो अभी करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। दूसरा है, अगर आप ब्लेसर के कार्ड से पैकेज परचेस करती हैं तो सर आप मैम कर सकती हैं आप बिल्कुल, अगर जो है वो अगर आपकी हेल्प कर देते हैं तो कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि अपना जो हमारा जो OES का पासवर्ड है, वो सारी चीजें हम लोगों को सर्कुलेट ज्यादा नहीं करनी है। OES का पासवर्ड हो गया या अपने ईमेल का पासवर्ड है, इन सब चीजों को हम लोगों को सर्कुलेट नहीं करना है। ये स्मार्टली फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए होता है, सभी अपने होते हैं, हम लोग ट्रस्ट भी करते हैं, करना भी चाहिए, हर इंसान एक सा नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक जो बिजनेस या एक जो रूल कहता है वो कहता है नहीं, हम लोगों को कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। तो आपको पैकेज ले सकती है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, यस सर। और क्वेश्चन है ले लूं सर? सर हाँ ले लीजिए। ओके ओके, फिर दोष सर का ले चुकी हूं मैं। विनोद सर कि मुझे हेलीकॉप्टर बाय करना है। सर कोई बात नहीं है, जरूर करेंगे। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके चलेंगे तो जरूर सब कुछ पॉसिबल होगा। शिवम सिंह का है, मुकेश सर अगर हम अपनी मल्टीपल आईडी, मेरी मल्टीपल आईडी है, मेरे डे में 3 या 4 OES ओपन करके रीड करता हूं, तो क्या हमें ऐड करके मिलेगा जब इंगेजमेंट बोनस आफ्टर लॉन्च? यानी उनकी 2-3 आईडीज हैं, वो 2-3 बार OES यहाँ पे ना एंगेजमेंट को लोग यह समझ रहे कि हम हम एक लॉग इन करें, हम इससे 4 बार लॉग इन करें, 5 बार लॉग इन करें तो हमको मिलेगा। सर एक एंगेजमेंट का मतलब नॉर्मल आप एक सिंपल वे में ले सकते हो कि आपको एक हैबिट डालनी है कि हमको एक ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाना है, इकोसिस्टम में लॉग इन करना है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आप कि आप 3-4 उसमें, लेकिन आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि आप एंगेजमेंट बोनस आएगा ऑलरेडी हम लॉग इन करेंगे तो आएगा। आप उसको थोड़ा रिवर्स सोचिए, आप ये सोचिए हम लॉगिन कर रहे हैं, ये हमारा काम है, हम लॉगिन कर रहे हैं, इसको वहां पे चेक कर रहे हैं, हमारी आईडी सेफ है, डेटा वगैरह हम सब कुछ देख रहे हैं, वहां पे चेक कर रहे हैं। अब जब ये करते करते आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट बोनस आ जाएगा। आपको इस टाइप की मेंटेलिटी रखिए, आप ये मत रखिए कि एंगेजमेंट बोनस के लिए आप लॉगिन कर रहे हैं, मतलब ये चीज दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस हो गया है थोड़ा सा। तो आप ये मेंटेलिटी रखिए कि हम लॉगिन कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इन फ्यूचर में हमारे पास एंगेजमेंट बोनस